बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। होप सो ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तूने इस बाग को सींचा है लहू से अपने, तूने इस बाग को सींचा है लहू से अपने, तेरी खुशबू से तेरा बाग हमेशा महके। आमीन सुम आमीन। जी स्टूडेंट्स, जिस शख्सियत की मैं बात कर रही हूँ वो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे लीडर, हमारे रहनुमा, बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आज की इस वीडियो में हमने इसके शेर नंबर 3 और 4 की तशरीह करनी है। नज़म कायदे आज़म के शेर का शेर नंबर 3 है। हम सो रहे थे तूने आकर हमें जगाया, फिरते थे हम भटकते रास्ता हमें बताया। तू रहनुमा हमारा तू पासबां हमारा। शायर सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम कहते हैं कि ए कायद हम तो सो रहे थे, यानी कि ख्वाबे गफलत में थे, हमें कुछ पता नहीं था, हमें किसी भी बात की या का कोई इलम नहीं था, किसी की गुलामी का कोई एहसास नहीं था। कायद अजम ने आकर हमें जगाया, मुसलमानों के लिए जद्दोजहद की और मुसलमानों में आज़ादी का शऊर पैदा किया, यानी कि उनको आगाह किया, और मुसलमानों को आज़ादी दिलाने के लिए हिम्मत की और मुसलसल जद्दोजहद से बरसगीर के मुसलमानों को आज़ादी जैसी नेमत से हमकिनार किया। शायर कहती हैं कि आप ही ने मुसलमानों को इस बात का एहसास दिलाया कि आज़ादी से बढ़कर कोई नेमत नहीं है, लिहाजा आपकी काविशों की बदौलत मुसलमानों में आज़ादी का एहसास उजागर हुआ। इस तरह से आपकी क़ियादत में मुसलमानों को आज़ादी के रास्ते पर गामजन किया, लिहाजा हमें ज़िंदगी के हर लम्हे में कायद अजम की खिदमात याद आती हैं। नज़म का शेर नंबर 4 है। तेरे ही हौसले से हमको मिली है कुव्वत, तेरी ही आबरू से कायम है अपनी इज्जत। चमका है तेरे दम से कौमी निशां हमारा। शायर सूफी गुलाम उस्मत वसुम कहते हैं कि मुसलमान तो सो रहे थे, हमारे कायद की कोशिशों ने इनमें आगे बढ़ने का हौसला और हिम्मत पैदा की। कायद अजम ही की कोशिशों के बगैर हम अंग्रेज़ों के चुंगल से कभी आज़ाद नहीं हो सकते थे और हम हमेशा हमेशा के लिए इनके गुलाम बनकर रहते और आज़ादी जैसी बहार और नेमत हमें कभी भी नसीब ना होती और दुनिया में हमारी कोई इज्जत ना होती। आखिर में शायर कहते हैं कि किसी भी मुल्क का परचम ही इसकी आज़ादी की अलामत होता है, इसकी इज्जत और वक़ार की अलामत होता है और इसकी तरक्की का गहवारा होता है। खुदा का शुक्र है कि हम आज एक आज़ाद फिज़ा में सांस ले रहे हैं, गुलाम कौमों का कोई परचम नहीं होता और कायदे ज़मीन की वजह से हम आज़ाद हुए और अपना अलहदा तशख़्स बरकरार रखा। इसलिए हमें ज़िंदगी के हर लम्हे में आपकी खिदमात याद आती हैं क्योंकि आप ही ने मुसलमानों को बेदार किया, उनमें आज़ादी का शऊर पैदा किया और आप ही की काविशों से ये सब मुमकिन हुआ। इसलिए ज़िंदगी के हर लम्हे में हमें आपकी याद आती है और हम आपको कभी नहीं बुला सकते, आपकी खिदमात को कभी नहीं बुला सकते। इसके साथ ही आज की हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है।